नमस्कार दोस्तों, गीता स्टेप्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ गीता पाल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना घी और खोए के गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्वीट डिश है। इसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं: 1 किलो घिसी हुई गाजर, 1 लीटर मलाई सहित दूध, 250 ग्राम चीनी, 50 ग्राम काजू, 25 ग्राम कटा हुआ बादाम, 25 ग्राम किशमिश, आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर और 1 कटोरी मलाई। सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। उसके बाद इसमें गाजर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। चीनी की वजह से गाजर पानी छोड़ देगी और थोड़ी थोड़ी देर में गाजर को चलाते रहेंगे। 10 मिनट के लिए इसे एक थाली से ढक देंगे। दोस्तों, जब तक हमारी गाजर पक रही है तब तक दूसरी गैस पे हम दूध को गाढ़ा कर लेते हैं। इसी में मलाई भी डाल देते हैं। दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, हमें चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। दोस्तों, हमारी गाजर पक गई है। अब हम इसे खोलकर इसका पानी जला लेंगे। हमारा गाजर का पानी सारा सूख चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है। गैस धीमी कर देंगे और ये गाजर दूध में मिक्स कर देंगे। गाजर को खड़ा किए हुए दूध में अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस को धीमी रखेंगे। ये देखिए, हमारा हलवा कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें काजू डालेंगे। बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे, और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा हलवा तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।